जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। जैसा कि आप जानते हैं शरद पूर्णिमा पास में ही है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो शरद पूर्णिमा के दिन व्हाइट श्रृंगार होता है, व्हाइट राधा रानी और ठाकुर जी को व्हाइट ड्रेस पहनाया जाता है। तो आज हम वही शरद पूर्णिमा का श्रृंगार करने जा रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने राधा रानी को व्हाइट नॉर्मल ड्रेस पहना रखी है। तो आप सोच रहे होंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा नॉर्मल ड्रेस तो नहीं पहना सकते, कुछ हैवी होना चाहिए। तो हाँ जी, कुछ हैवी तो होगा, बिल्कुल होगा। आप पहले देख सकते हैं कि हमने अलकावली लगा रखी है राधा रानी के, और ये नॉर्मल ड्रेस है। अब नॉर्मल ड्रेस को हैवी कैसे करेंगे, हम हैवी करने जा रहे हैं नॉर्मल ड्रेस को जैकेट से। आप देख सकते हैं ये जैकेट है राधा रानी का, ये पूरा मोतियों का जैकेट है। जैसे कि हम वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो जैकेट पहनते, तो हम जैकेट पहनाएंगे ऐसे ये जैकेट आएगा। मैं आपको पहना के बता देती हूँ। तो ये हम जैकेट पहना देते हैं आराम से राधा रानी को, तो इससे बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और ये जैकेट आप किसी और नॉर्मल ड्रेस पे भी पहना सकते हैं, तो उसका हैवी लुक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जैकेट हमने पहनाया है, और इस बार हमने अलग स्टाइल से बनाया है। ये जो है वो उनके ऊपर भी आ सकता है, आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए ये ऊपर भी आ सकता है, लेकिन अभी हम थोड़ा अलग पैटर्न से पहना रहे हैं ये जैकेट। तो वो ऐसे है, ये देखिए ये पूरे ऐसे पीछे लग जाएगा, एक बार आपको पिन से सेट करना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये जैकेट है, आप कोई भी नॉर्मल ड्रेस पे पहना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लुक आएगा। ये देखिए उसकी बहुत ही सुंदर वर्क है इस जैकेट का। ये देखो, ये इसको आप ऐसे पिन से लगा देंगे पीछे, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। आइए अब हम श्रृंगार करते हैं राधा रानी का, हम इसको सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हासली पहनाएंगे, जो सारा मोती का वर्क है आप देख सकते हैं। तो हम ये हासली पहना देते हैं राधा रानी को, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये हासली। तो आपने देखा ये हमने नेकलेस भी पहना दिया है, और अब हम इनको कान के भी पहनाएंगे। पहले सबसे पहले चूड़ी पहना देते हैं, सारा मोती वर्क दिख रहा है आपको, तो हम मोती का ही चूड़ी पहनाएंगे। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये मोती की चूड़ी पहना दी है, दूसरे हाथ में भी पहना देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ जैकेट लाना और आपकी नॉर्मल ड्रेस कितनी सुंदर हो जाएगी, और ये शरद पूर्णिमा के दिन कितना प्यारा लगेगा। ये श्रृंगार आप जरूर करिएगा, और दिवाली के दिन भी अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो आप ऐसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। अब हम बालों का श्रृंगार करते हैं, तो हम सबसे पहले अभी बाल लगाएंगे राधा रानी के। तो सबसे पहले हम ये चोटी लगाएंगे, ये देखिए ये चोटी आप देख रहे हैं, इनको इसको सेट कर देते हैं पहले। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना ये चोटी। और अब हम ऊपर के बाल सेट करेंगे, तो मैं हमेशा की तरह इस बार भी जूड़ा बनाने की सोच रही हूँ, तो वो ही बना देती हूँ जूड़ा। ये देखिए ये जूड़ा कितना प्यारा लग रहा है ना। हालांकि हमारी राधा रानी बड़ी है, तो ये बड़ा जूड़ा बड़ा सुंदर लगता है। आपको अगर लगता है कि छोटा बनाना चाहिए तो छोटा बना लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। मैं हर टाइप की हेयर स्टाइल ट्राई करती हूँ। हम जूड़े को डेकोरेट कर देते हैं, हमने जूड़ा तो पहना ही दिया है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं मोतियों का वर्क है, तो सारा सेम सेम मैचिंग मैचिंग लेंगे। ये देखिए ये हम लगा देते हैं ऐसे, और पीछे घुमा देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ जी, तो ऐसा अपन कर सकते हैं, अच्छी तरह इसको लगा देते हैं। और अब हम ये टीका लगा देते हैं, ये देखिए ये ऐसे टीका आ जाएगा। और अब हम गजरा लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं गजरा, ये देखिए ये गजरा ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ये श्रृंगार, बहुत ही प्यारा लग रही है हमारी राधिका। तो आप देख सकते हैं, अब हम बस कान के बाकी हैं वो लगा देते हैं, हम ठाकुरानी को कान के पहना देते हैं, जिससे उनका श्रृंगार पूरा हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते होंगे कितना प्यारा लग रहा है ये श्रृंगार, और राधिका बहुत प्यारी लग रही है हमारी, नजर नहीं लगे उन्हें, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं कृष्ण भक्तों, राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, आप देख ही सकते हैं। अब उनके नाक का भी लगा देते हैं, हम छोटी सी नथनी लगा देंगे, ये देखिए।
तो देखिए ये श्रृंगार कितना इजीली और बहुत जल्दी हो गया और राधिका जी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल ड्रेस थी, एकदम सिंपल ड्रेस थी और उससे हमने सिर्फ जैकेट पहना के इतना भव्य श्रृंगार कर दिया है। आप देख सकते हैं ये गजरा, ये टीका और ये सब कितना प्यारा लग रहा है। ये चुटिया तो बहुत ही प्यारी लग रही है राधिका जी, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लल्ला के दर्शन कर लेते हैं। तो लल्ला भी रेडी हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे लल्ला हैं। उनको भी हमने सेम जैकेट पहनाया है, ये जैकेट आप देख सकते हैं। तो ये जैकेट, ये ड्रेस और ये सिंपल सोबर श्रृंगार कितना प्यारा लग रहे हैं, और सिर्फ एक जैकेट की वजह से इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार हो गया, आप देख ही सकते हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे युगल जी। तो आप भी ऐसा श्रृंगार कर सकते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल जोगन मीरा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।